हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों के गांव में पहुंचकर चौपाल पर समय बिता रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रोहतक में भी लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वो तुरंत कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने दर्जन भर पुरुष और महिलाओं की वृद्धावस्था पेंशन मौके पर बनवाकर लाभार्थियों को कागज सौंपने का काम भी किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में बताया, वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तो हो ही रहे हैं, साथ में वो कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर ज्यादा से ज्यादा लगाम लगाई जा सके। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार पिछले सरकारों में बेलगाम था, अब काफी हद तक वो अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में हर विभाग में भ्रष्टाचार भारी मात्रा में व्याप्त था, जबकि वर्तमान सरकार पारदर्शी तरीके से नौकरी दे रही है। पोर्टल के जरिए लोगों के सरकारी काम किए जा रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार ना के बराबर है। बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचे कई लोगों ने इस जनसंवाद कार्यक्रम की तारीफ की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ताकि लोगों की समस्याओं का निदान होता रहे। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।